Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID. In previous video, in previous lecture, I have discussed about diet, its background, its role in the context of RTE and the vision of the establishment of diet. And in this video, I am going to discuss mission, role, philosophy and functions of diet. Okay, with special reference to teacher education, with special reference to a teacher education of elementary level teachers. So, सबसे पहले diet का mission. हम जान चुके हैं कि diet district institute of education for and training है. तो mission क्या है इसका? ये भी हम जान चुके हैं. लेकिन फिर से हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं कि diet की स्थापना elementary education में universalization of एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की प्राप्ति के लिए और एडल्ट एजुकेशन के विस्तार के लिए, या आप कह सकते हैं कि एडल्ट इलिटरेसी के खत्मे के लिए या एडल्ट लिटरेसी को बढ़ाने के लिए हुई. तो हम कहेंगे क्या कि डाइट का मिशन क्या है? टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट एट द ग्रास रूट्स लेवल फॉर द सक्सेस ऑफ द वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स बीइंग अंडरटेकन इन द एरियाज ऑफ एलिमेंट्री एंड अर्ली एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. मिशन ही इसका यही है कि हम यूपीई या यूईई को प्राप्त कर पाए और नेशनल लिटरेसी मिशन में जो फंक्शनल लिटरेसी का कंसेप्ट है, जिसकी बात पिछली वीडियो में हो चुकी है, 15 से 35 एज ग्रुप के लोगों के लिए, उसको हासिल कर पाए. ठीक है, तो रोल क्या हुआ इसका? परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वुड हैव टू इन्फॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ द डायट्स इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट इट विल हैव टू इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. दो मुख्य भूमिकाएं निभाता है डायट. कौन कौन सी? एक्सीलेंस इन द इंस्टीट्यूट्स ओन वर्क, यानी कि अपनी जो कार्य प्रणाली है इसकी, इसमें ये एक्सीलेंस शो करे, और हेल्पिंग द एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द डिस्ट्रिक्ट इन अचीविंग एक्सीलेंस. और जिले में जो भी काम, जो भी संस्थाएं, जो भी निकाय एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए और एडल्ट एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी एक्सीलेंस अचीव करने में हेल्प करें, यानी कि खुद एक्सीलेंस. अब सॉरी, मेरी आँख में थोड़ा सा आई फ्लू हो गया है. तो इंस्टीट्यूट अपने काम में एक्सीलेंस डेवलप करे और जिले में एलिमेंट्री और एडल्ट एजुकेशन सिस्टम के में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी हेल्प करे एक्सीलेंस अचीव करने में. फंक्शंस क्या है इसके? यही मेनली हमको पढ़ना है इस वीडियो में. यही मेनली पूछा जाता है कि डायट टीचर एजुकेशन के लिए क्या करता है. तो मेन काम इसका है प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन और ट्रेनिंग एलिमेंट्री लेवल टीचर्स के लिए. तो ये क्या काम करता है? मेनली ट्रेनिंग. दूसरे नंबर पे आता है रिसोर्स सपोर्ट और तीसरे नंबर पे एक्शन रिसर्च, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका प्रशिक्षण देना है. फिर ये रिसोर्स को सपोर्ट करता है किस किस तरीके से, जैसे कि एक्सटेंशन के रूप में, गाइडेंस के रूप में, डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स के रूप में, एड्स के रूप में, इवेल्युएशन टूल्स एक्सेट्रा. और एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च अपने आप में एक टॉपिक है पढ़ने पढ़ाने के लिए. इसका मतलब क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान. क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कि तात्कालिक समस्या के लिए छोटे लेवल की रिसर्च की जाती है ताकि उसका रिजल्ट जो आए उससे आप उस समस्या को दूर कर सकें. और एक्शन रिसर्च का जो रिजल्ट होता है उसको आप दूसरे कंटेक्स्ट में जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब ये कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है. तो ट्रेनिंग जो मेन हमको पढ़ना है, इंडक्शन लेवल की भी ट्रेनिंग और कंटिन्यूइंग वेराइटीज, मतलब सतत चलने वाली प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इंडक्शन लेवल यानी कि जैसे ही एलिमेंट्री लेवल टीचर का टीचर भर्ती होता है, रिक्रूटमेंट उसका होता है, वैसे दिया जाएगा. हर तरीके की ट्रेनिंग में हेल्प करता है डायट. तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को ये बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा क्या करते हैं? हेडमास्टर्स जो होते हैं, हेड्स ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, और ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक लेवल तक के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको, जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके हेड्स को, और हेडमास्टर्स की भी ट्रेनिंग का काम डायट का है. इसके अलावा क्या है? इंस्ट्रक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन का सेंटर आपके जिले में है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का है, उनके भी इंस्ट्रक्टर्स और सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देने का काम डाइट का है. इसके अलावा क्या है? डीबीई. डीबीई देखिए फिर फुल फॉर्म आ रहे हैं, एब्रीविएशन आ रहे हैं. डीबीई मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन,
बीईसी मतलब विलेज एजुकेशन कमेटी, तो जो विलेज एजुकेशन कमेटी है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके जो सदस्य हैं, जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो यूथ और अदर वॉलेंटियर्स हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, उन सब की ट्रेनिंग का काम। इसके अलावा रिसोर्स पर्सन हु विल कंडक्ट सूटेबल प्रोग्राम्स फॉर द टारगेट ग्रुप, जो भी इनका टारगेट ग्रुप है, एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग का काम है, हेडमास्टर्स, हेड ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, उनको जो रिसोर्स पर्सन उनके लिए प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे उनकी ट्रेनिंग का काम भी डायट का है। फिर तो मेनली आप समझ गए कि टीचर ट्रेनिंग डायट का काम है। टीचर कौन टीचर होंगे? एलिमेंट्री लेवल के टीचर होंगे। सर्विस किस तरीके की ये ट्रेनिंग देंगे? प्री सर्विस भी देंगे, इन सर्विस भी देंगे। तो मेनली हमको प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग ही पढ़ना है डायट में। तो प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में क्या होता है कि एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली, अब देखिए NCF जो होता है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, वो टीचर एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क बनाता है, वो स्कूल एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क बनाता है। तो अभी आगे आ गया ना NCFTE, ये क्या है NCF ये देखिए ये NCFTE ये क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के आया था। उसके बाद से अभी कोई करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं आया है। हालांकि NEP 2020 ने कहा है कि जो मतलब नया NCFTE आना चाहिए, पर आया नहीं है अभी। तो उसके अकॉर्डिंग एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली, क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर ट्रेनिंग कोर्सेज एज प्रिस्क्राइब्ड, एक्सक्यूज मी इसको बंद कर दो, एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ NCTE न्यू दिल्ली, क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एज प्रिस्क्राइब्ड इन DLED फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि NCTE न्यू दिल्ली के अनुसार टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं, जैसे कि DLED में, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, समझ रहे हैं ना DLED का फुल फॉर्म। और कब कहां से कहां तक के लिए क्लासेस? फर्स्ट से एट तक के पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं उनके उनका टीचर ट्रेनिंग कोर्स NCTE न्यू दिल्ली के हिसाब से चलाया जाएगा। और the SERT of all states must initiate a review and reformulation of the elementary teacher education curriculum and urge universities to review the DH curriculum in the light of the NCFTE 2009। मतलब जितने भी states हैं, स्टेट्स के SERTs हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो एक रिव्यू करें, एक रीफॉर्मुलेशन करें एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन करिकुलम का, और किसकी लाइट में करें? NCFTE की लाइट में करें। और जो DED करिकुलम है, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो चलता है, उसको वो रिव्यू करें, रिफॉर्म करें कौन? SERT, और उसके हिसाब से डायट ट्रेनिंग देगा। डायट्स मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवाइटलाइजेशन ऑफ PSTE थ्रू देयर ओन DED प्रोग्राम बाय अप्लाइंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कह रहा है कि PSTE क्या है? अभी PSTE क्या है? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि डायट जो है वो PSTE के रिवाइटलाइजेशन का भी काम करेंगे। कैसे? जो उनका अपना DED प्रोग्राम है उसमें वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे। They must play a leading role in implementing curricular reform in the light of NCFTE 2009. समय मिला तो मैं NCFTE 2009 भी आपसे डिस्कस कर लूंगी कि है क्या, मतलब 2009 में भले 14 साल हो गए बट रिसेंट ही है क्योंकि तब से कोई नया नहीं आया। तो टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, क्या चाहता है हमारी नीतियां, हमारे नीति जो मतलब कि पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि टीचर एजुकेशन किस लाइट में चले, तो इस हिसाब से डायट प्री सर्विस टीचर की ट्रेनिंग का काम करता है। आपको पता है कि जो डायट चलाता है वो क्या चलाता है? BTC बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाता है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है ना, उनके लिए जिन्होंने BED नहीं किया है, 2 साल का चलता है। फिर एक विशिष्ट BTC चलता है उन टीचर्स के लिए जो BED करके जाते हैं एलिमेंट्री लेवल का पढ़ाने, वैसे तो है ना, तो वहाँ चूंकि विशिष्ट BTC है वो BED किए हुए होते हैं, यहाँ सिर्फ 6 महीने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरीके से उर्दू BTC भी चलता है। तो इस तरीके के कोर्सेज प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में डायट चलाता है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में क्या करेगा, मतलब कि अब तो जो व्यक्ति है उसका रिक्रूटमेंट हो गया, वो शिक्षक बन गया, लेकिन उसको सतत हमको शिक्षण और प्रशिक्षण देना है। तो द इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स वुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मास्टर रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पे डायट का मेन काम क्या है कि आपको मास्टर रिसोर्स पर्सन्स बनाने हैं, इसके लिए स्पेशली फॉर ट्रेनिंग एट द ब्लॉक लेवल एज वेल एज डायरेक्ट वर्क विद टीचर्स विद अ व्यू टू कंटिन्यूअसली एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द करिकुलम। डायट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ऑर्गेनाइज स्पेशली डिजाइन कोर्सेज फॉर हेडमास्टर्स, वही जिनकी अभी बात की गई थी,
कि हेडमास्टर को ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स जो ब्लॉक लेवल के हैं ऑफिसर उनको ट्रेन करेंगे, विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स को ट्रेन करेंगे, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर को ट्रेन करेंगे। SMC क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जो कम्युनिटी लीडर्स होंगे, जो हेड्स ऑफ PRIs, अब ये PRI क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हेड्स को ट्रेन करेंगे, और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स को भी ट्रेन करने के लिए कोर्सेज बनाएगा कौन? डाइट। अब समझ रहे हैं कि कितना क्लिष्ट है ये। फिर जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो कुछ खास कॉमन एरियाज हैं जिसके इर्द गिर्द बुने जाते हैं। कौन कौन से? TLM डेवलपमेंट, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे बनाया जाए ये सिखाया जाएगा। एक्शन रिसर्च कैसे की जाए, आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, जो कार्यक्रम है उसकी मतलब नियोजन कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके इर्द गिर्द होगी ट्रेनिंग। एडोलेसेंट एजुकेशन आपको बताया जाएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज होंगे और एनवायरमेंट एजुकेशन के कोर्सेज होंगे। मतलब एडोलेसेंट एजुकेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, ये वो बेसिक मुद्दे हैं जो सभी शिक्षित शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को पता होना चाहिए। तो पहले आप शिक्षक को ट्रेन कीजिए, शिक्षक शिक्षार्थी को ट्रेन करेगा। इसके अलावा आपके टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है कि TLM आ जाए आपको बनाने, आपको एक्शन रिसर्च करने आ जाए, और आपको प्रोग्राम्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट आ जाए। तो इन सब पर बेस्ड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज डायट चलाता है। इसके अलावा डायट की बहुत सारी सेक्शंस और ब्रांचेज हैं। WE वर्क एक्सपीरियंस से जो रिलेटेड ब्रांच है डायट की, वो क्या करती है? टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज लाइक क्लीनलीनेस ड्राइव, रिपेयर, मेंटेनेंस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रमाइसेस एटसेट्रा विद अ व्यू टू प्रमोट वर्क एक्सपीरियंस एटीट्यूड। हम वर्क एक्सपीरियंस पहले भी पढ़ चुके हैं कि बच्चे में हमको डिग्निटी ऑफ लेबर इनकलकेट करना है, कि श्रम के प्रति उसके अंदर डिग्निफाइड तरीके से वो श्रम को मतलब देखे, स्वीकार करे। तो उसके लिए हम सफाई की काम चल सकता है, कुछ रिपेयर चल रहा है स्कूल कॉलेज स्कूल में, कुछ मेंटेनेंस करवा रहे हैं बच्चों के संग छोटा मोटा, कुछ ब्यूटिफिकेशन प्रमाइसेस का हो रहा है ताकि बच्चों में वर्क एक्सपीरियंस के डेवलप हो। तो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोशल सर्विस भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर जो दूसरा सेक्शन या ब्रांच डायट का है वो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सॉरी हाँ, इस यूनिट के तहत क्या काम किया जाता है? टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट प्लान्स फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, है ना। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन एजुकेशन, टीनेज एजुकेशन, एड्स अवेयरनेस, इस तरीके के कामों को ऑर्गेनाइज करने की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, ताकि आप जिले में शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हासिल आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा इन सर्विस प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन और कोऑर्डिनेशन यूनिट, जो कि IFIC के नाम से प्रचलित है, इसमें क्या होता है कि डायट का एनुअल कैलेंडर बनाना, कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, किसको किसको दी जाएगी, किस किस ब्लॉक में आपको विजिट करना है, कहाँ कहाँ मॉनिटर करना है, कहाँ कहाँ कैसा आप इवेल्युएशन करेंगे, सब कुछ। To identify the need of training in the district and organize subject-based and theme-based training. आप पहले need ये ढूंढिए, identify करिए कि कहाँ कहाँ आपको training देने की ज़रूरत है, फिर इस हिसाब से program organize किए जाएंगे। To prepare and implement annual plan of district education research forum, ये देखिए नया abbreviation, district education research forum DERF, इसको बनाना है, annual plan implement करना है। इसके अलावा curriculum material development and evaluation, ये जो unit है वो क्या करती है? To review curriculum and new textbooks. जो न्यू टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, करिकुलम को रिव्यू करना, क्या कोई अपडेट करना है, कोई ऐसा पोर्शन है जिसको हटाना है, ये सब कुछ। टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप लर्निंग मटेरियल एज पर दी लोकल इन्वायरमेंट, सबसे खास बनाया ही इसीलिए गया डायट, ताकि लोकल जो नीड है उसके हिसाब से काम करे। टू कंडक्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग, आई थिंक कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमीडियल टीचिंग के बारे में जानते हैं। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होगा? इसमें ये सब आ जाएगा। अब तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में दीक्षा के प्रोग्राम, स्वयं के प्रोग्राम, सब कुछ इसमें आएगा। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है, एंड यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स एंड ऑडियोविजुअल मटेरियल। टू कंडक्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन विद व्यू टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कैसे आप संचार को प्रभावी कर सकते हैं तकनीकी की मदद से, लो कॉस्ट टीचिंग ऐड कैसे बनाने हैं, ऑडियोविजुअल मटेरियल को कैसे यूज करना है, सब कुछ। और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में टू कलेक्ट मीडिया एजुकेशनल डेटा टू असिस्ट डायट इन डिस्ट्रिक्ट, पूरा प्लानिंग पूरा मैनेजमेंट इसके तहत आता है। तो डायट के जो फोकस एरियाज हैं वो किसके
किस पर बेस्ड है, मतलब किस पर बेस्ड है डाइट की एक्टिविटी, उसको कौन बताता है किस तरह से काम करना है, तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से डाइट काम करता है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, फिर एनसीएफ टी 2009 जो टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 बना है, दी रिफ्लेक्टिव टीचर मतलब अ मैनुअल फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग एनसीईआरटी का है 2007 उसके हिसाब से, दी ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर बीआरसी सीआरसी जो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2010 में आया उसके हिसाब से, एंड अदर सच रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन प्रोवाइडिंग आइडियाज रिगार्डिंग द डायरेक्शंस फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्क। तो मेनली डाइट को करना क्या है, टीचर का डेवलपमेंट करना है, किस लेवल के टीचर का, एलिमेंट्री लेवल के टीचर का, किस तरह से करेगा, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग से, क्यों, क्योंकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, लक्ष्य यूईई ही है और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो डाइट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करता है, एज सजेस्टेड इन द एनसी, ये टीपीडी टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ओके, एज सजेस्टेड इन द एनसीएफटी 2009 ऑल प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग टीचर एजुकेशन नीड टू बी टेलर्ड एंड कनेक्टेड टू द गोल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टेलर्ड मतलब टेलर जैसे आपकी नाप ले लेके बनाता है ना, आपका ड्रेस किसी और को नहीं आएगा, उसी तरह से किसी एक जिले के लिए बनाए गए कार्यक्रम दूसरे जिले के सूट नहीं होंगे, क्यों, सबकी नीड रिसोर्स स्पेशलिटी और सब कुछ अलग है। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग एंड सपोर्टिंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन द लाइट ऑफ एनसीएफटी 2009, कंडक्टिंग एंड सपोर्टिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, कंडक्टिंग हाई क्वालिटी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर द एजुकेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स, organizing and supporting the organization of effective professional for teachers at the district and block and cluster levels, and developing modules for in-service teacher education to be conducted by other agencies to be offered to teachers of the district. मतलब कोई और agencies हैं जो district teachers को आपके train करना चाहती हैं, तो उनको भी आप help करेंगे module बनाने के लिए। तो हमारा जो लक्ष्य है वो NCFTE 2009 के हिसाब से हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्लान करते हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्लान करते हैं और सब कुछ काम इसी तरह से करते हैं, कौन, डाइट। तो अब जाके डाइट पूरा हुआ, उसका बैकग्राउंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो क्या करता है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसके रोल क्या है, उसके फंक्शन क्या है, तब जाके डाइट आपका पूरा कम्प्लीट होगा। और हुआ इस तरीके से, तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने पढ़ाने जानने के लिए, लिखने के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव टीचिंग मतलब एग्जामिनेशन के कितने ही सवाल बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड डाइट इन होलिस्टिक वे इन टोटैलिटी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।